भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति अनमोल विचार। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है, जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो, वही सच्चा प्रेम होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते, उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। समय देख कर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। जब किसी के साथ भूत वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम में दर्द हर एक हो मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना।